हेलो एवरीवन। तो आज रोटी सब्जी चावल दाल खा के सभी लोग बोर हो गए हैं, मैं भी। तो आज इडली सांभर बनाने जा रहे हैं। मैं सांभर कैसे बनाती हूँ ये आप देखिए। एक मिनट, ये कुकर है, वन मिनट। इस कुकर में तुअर दाल, जिसको हम लोग अरहर की दाल भी बोलते हैं, वो डाल देंगे। तो इसमें जितना चीज हम डालेंगे वो आपको हम दिखाएंगे। इस चॉपर में चॉप करके डालेंगे तो अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा, नहीं तो सांभर में जो खड़ा खड़ा सब्जी आता है ना, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता, मेरे यहाँ भी नहीं अच्छा लगता लोगों को। तो ये तुअर दाल है और ये है लौकी, लौकी। और इसमें ग्राइंड कर करके मैं वन बाय वन डालती जाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये लौकी, ये लौकी डाला था मैंने, लौकी और तुअर दाल। ये ढेर सारा लहसुन, ढेर सारा लहसुन, और इसमें चॉप किया हुआ टमाटर, टमाटर भी मैंने डाल दिया है। ये देखिए टमाटर, टमाटर, इसमें हींग, ये हींग है, हींग, थोड़ा सा हींग डाल देंगे इसमें, क्योंकि एक मिनट, तुअर दाल जिसको अरहर की दाल बोलते हैं बहुत हैवी होता है, इसमें हींग डालना बहुत जरूरी है। हींग और जीरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये प्याज भी डाल देंगे, ये रहा प्याज, प्याज, मैं बैगन की इसमें डाल दे रही हूँ कि एकदम फाइन चॉप हो जाए। हाथ दुखने लगा। इसमें बैगन, बैगन, नमक, नमक, नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं। ओए माँ, सॉरी सॉरी सॉरी, पंजाबी शेफ थे वो बोलते थे। ये हल्दी, हल्दी कम ही इसलिए डाल दे रहे हैं ज़्यादा। और ये फिर पानी, आप लोग देखिए, ये फिर अब ये ढक्कन बंद कर देंगे, ये ढक्कन अब बंद हो जाएगा। हाँ, तो उनकी स्पीड बहुत तेज थी, वो बहुत तेज चलते थे, गांधी जी बहुत ज़्यादा तेज चलते थे, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी, वो थकते नहीं थे। गांधी जी की बात कर रही है। चेरी को भूख लगा है, वो कुछ नहीं खाएंगी, उनको ना कुछ हैवी चीज चाहिए, तो सूजी का पकौड़ी बनाने जा रहे हैं। तो मतलब वहाँ पर बच्चे नहीं जा सकते थे? बच्चे नहीं जा सकते थे, क्यों नहीं जा सकते थे? पैदल नहीं जा सकते थे, गाड़ी मोटर घोड़ा से तो जा ही सकते थे। पैदल की बात,
गदहे ये पूरा काला काला क्यों दिखता है, जैसे अंधेरा अंधेरा सा। ये मेरा वॉल काला है, वो है क्या कहते हैं उसको, काला है ये, सेल्फ भी काला है, दीवार भी काला है, इसलिए काला काला दिखता है। बनवाने में बहुत पैसा लगेगा। अब ये सूजी का पकौड़ी मैं चेरी के लिए बनाने जा रही हूँ। किस चीज से खाओगे? सॉस की चटनी, टमाटर वाली। दो मिर्चा चटनी में डाले थे, मेरे हस्बैंड को तीखा लग रहा था, कह रहे थे कि तीखा है बहुत ज्यादा, पता नहीं। उनको तो पान खाते हैं तो उनको तो तीखा लगेगा ही। सुबह ही इडली बनाने का प्रोग्राम था कि इडली बनेगा, तो सुबह सूजी दही मिला के मैं रख दी थी, उसका पेस्ट बना के, ये बना कर इसमें नमक डाल दिया है और सुबह ही मैंने कर ली थी। और अब इसमें थोड़े थोड़े में इनो डाल के फिर मैं ये सांचे में डालूँगी। ये पूरे पेस्ट में इनो नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे इनो। इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको सब ये प्लेट में मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है। अब ये जो पानी गर्म हो रहा है, अब इसी में ये जो मेरे प्लेट्स हैं, जो सब में इडली का बैटर डाल दिया है, इसको डाल देंगे। और ये ढक्कन बंद कर देंगे, तो ये 10 से 15 मिनट में फिर इसको हम खोलेंगे। सूजी की इडली है? सूजी की इडली नहीं, इसमें कुछ और भी मिक्स है, हम YouTube पे देख के बना रहे हैं। तुम्हारा हम बना देंगे, ट्राई कर देंगे तुम्हारा। इसको 15 मिनट के बाद खोलेंगे। और ये सीटी भी बज रहा है, दो सीटी बजा है। पूरा वेजिटेबल जब मैंने मिक्स कर दिया था चॉपर में, तो नहीं तो मुझे घोटना पड़ता था, अब वो पूरा मिक्सअप हो जाएगा। ये देखिए इडली पक गया है। ये मेरा टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, इसलिए ये ठीक से नहीं निकलता है।
ये स्टैंड लेना है हमको, दूसरा आप लोगों को दिखाते हैं हम, क्योंकि वो पूरी तरीके से टेढ़ा हो गया था। थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आपको निकालते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये कितना अच्छा एकदम स्पंजी निकला है। अभी बहुत गर्म है ये, देखिए बहुत मुलायम और बहुत बढ़िया निकला। देखिए बहुत जालीदार वाला निकला है, जाली जाली। नीचे पढ़ो, जाओ नीचे, नीचे जाओ लड्डू। मैंने सब प्लेट्स निकाल लिया है और ये देखिए ये कितना जाली वाला बना है, बहुत बढ़िया बना है ये। और ये इसका है, ये बहुत टेढ़ा हो गया था इसका, तो इसका है ये। सामान फ्राई करने जा रहे हैं तो जीरा मेथी और राई का तड़का देंगे। उसके बाद ये करेंगे, करेंगे इसके बाद ये सांभर मसाला, एवरेस्ट का सांभर मसाला मैं यूज करती हूँ। फिर इसमें ये इमली का पानी, सांभर मसाला आप दाल के अकॉर्डिंग डालिए, इमली का पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए आप। इसको आप टेस्ट करके भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा सिर्फ पकेगा, सिर्फ थोड़ा। ये सांभर में डालने के लिए बना रही हैं। उठो खड़ी हो, रोशनी पड़ रहा है, ये इसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा आ रहा है कलर, कितनी अच्छी आ रही है, पूछो मत। पूरा इसमें डाल देंगे। अरे वो फ्राई पैन ही डाल दीजिए ना पूरा। नहीं वो छन्न से नहीं बोलेगा क्योंकि वो गीला है ना इसलिए। हाँ तो उससे क्या फर्क, पहले उसको मिक्स कर लेंगे। ये मैं इडली फ्राई करने जा रही हूँ तो ऑयल में राई लगता हुआ नहीं था, हाँ अब चटक चटकेगा। फिर ये करी के बाद ये प्याज, प्याज हो गया है, फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। ये टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तब इसमें इडली डालेंगे। पहले इसमें ना हम थोड़ा सा खाली सांभर मसाला डाल लें, बहुत थोड़ा सा। उसमें फोन चेरी के पास था इसलिए हम बताना भूल गए। और थोड़ा सा हल्का सा नमक, पिंच भर का नमक और सांभर मसाला। सांभर मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये रेडी, एकदम रेडी। ये है फ्राई इडली और सांभर, कितना टेस्टी लग रहा है ये। आप लोग एक मिनट, ऐसे सांभर बना के देखिए, बहुत अच्छा बनेगा जैसे मैं बनाई हूँ। मैं सांभर बाद में फ्राई करती हूँ, पूरा सब कुछ डाल देती हूँ, तो जैसे आप लोग वीडियो में देखेंगे वैसा बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। आज ब्रेकफास्ट में सोवा आलू बना है। ये जो बहुत छोटा छोटा आलू जो आता है एकदम गोली के बराबर, वो वाला आलू है ये। ये सोवा आलू और ये पराठा ये खा रहे हैं। ये लहसुन और मिर्चे का तड़का दे के फिर मैंने आलू छौंक दिया था, उसके बाद में सोवा डाली थी मैं, और ये पराठा। हेलो फ्रेंड्स,
रोशनी आ रही है। ब्रेकफास्ट हो गया, आज है 15 तारीख, नहीं नहीं आज 14 है ना, आज है 14 तारीख, और वही आलू सोवा की सब्जी। ब्रेकफास्ट हो गया, अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ। आज लंच में बन रहा है चने की दाल, और ये मैं मम्मी हाँ चने की दाल मैं बनाने जा रही हूँ, तो उसमें मैं ये तड़का लगाऊंगी, तेजपत्ता, दालचीनी और ये लौंग और ये लाल खड़ा मिर्चा, इलायची नहीं है, नहीं तो इलायची भी डालती, और जीरा, या तो जीरा अभी डाल देंगे नहीं तो फिर बाद में तड़का लगाएंगे, जैसे एक बार फिर से होता है तो फिर नहीं लगाएंगे हम, सब कुछ तो हो गया, सारा चीज मैं इसमें डाल दूंगी। फिर उसके बाद ये लहसुन, अदरक और प्याज, लहसुन अदरक प्याज डाल, तो ये प्याज लाल हो गया थोड़ा सा, दिख नहीं रहा है, ये प्याज ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हो गया। फिर दो टमाटर, ये दाल में हींग थोड़ा सा, और ये लौकी, ये चने की दाल में लौकी बहुत अच्छी लगती है। लौकी डाल देंगे। आज मैंने अपने लिए ये बथुआ का चोखा बनाया है। ये इस समय जाड़े के सीजन में पालक से ज़्यादा आयरन बथुआ में होता है, तो बथुआ को थोड़ा सा बॉयल करके, क्योंकि साग है बहुत जल्दी ये तो गल जाता है, तो बॉयल करके उसमें लहसुन, मिर्च, तेल, अदरक यही सब डाल के उसका ये चोखा बना लिया। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, मेरे घर में कोई नहीं खाता, लेकिन मैं बथुआ का यूज़ ज़्यादा करती हूँ ठंड में, हो सकता है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है। चना का दाल ये बनाएंगे, अब ये थोड़ा सा भून जाए, इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, मुझे पता नहीं, याद नहीं है, टेस्ट करके तब डालेंगे। इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दूंगी, नमक और ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा अगर मसाला पड़ता है तो ये सब्जी, दाल का मिठास सब खत्म, इसलिए हल्के मसाले में अगर उसका ओरिजिनल अगर मिठास चाहिए तो कम डालिए। ये देखिए मेरा ये रोशनी निकलती है पूरी, ये भूनने के बाद फिर इसमें दाल डाल देंगे, इसमें दाल भी मैंने डाल दिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे फिर पानी डाल देंगे। इसमें गरम मसाला मैंने नहीं डाला है, ये गरम मसाला मैं थोड़ा सा बाद में डालती हूँ। ये हो गया, पानी डाल दिया, अब इसको मैं
सीटी लगा दूंगी। सीटी लगा के इसको कम से कम चना का दाल गलने में समय लगता है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये सीटी बज गया, अब मैं इसको धीमा कर दूंगी। और दोपहर के खाने में तो सब्जी बनी गया था, ये रात का भी मैं सब्जी बना रही हूँ। आज मुझे कहीं जाना है, किसी को देखने के लिए, बीमार है कोई तो जाना है, तो वहाँ से आते आते देर हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को जैसे कभी 8 बजे वो खाना खाते हैं, कभी 8:30 बजे, तो सब्जी बना रहता है तो अच्छा रहता है, नहीं तो आके जल्दी 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 काम करो। तो इसलिए सोच रही थी कि आलू गोभी की सब्जी मैं बना दूँ, तो वही बनाने जा रही थी मैं। अब ग्रेवी वाली सब्जी ये क्या बताना, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। ये गोभी पहले फ्राई कर लेंगे। ये गोभी मैंने खौलते हुए पानी में मैंने डाल के 10 मिनट तक छोड़ दिया था, उसके बाद फिर निकाल के मैं इसको फ्राई करूंगी, क्योंकि गोभी में बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो दिखाई नहीं देते, इसलिए मैं पहले इसको गोभी फ्राई कर लूंगी। आज मेरी लाडो का एग्जाम है, सीरम से उसका पेपर शुरू हुआ है, 20 तक खत्म होगा उसका। आती है तो हेल्प बहुत करती है, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है, तो इसलिए उसके रहने से मेरा मूड भी अच्छा रहता है। मतलब कि एक साथ मेरे साथ साथ रहती है तो अच्छा रहता है, घर में बच्चा रहना भी तो ज़रूरी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। मुझे बहुत प्यार करती है मेरे, अगर हम घर में नहीं रहेंगे तो इसका मन नहीं लगता बिल्कुल। प्याज और लहसुन, थोड़ा सा एक मिर्च डाला था और थोड़ा सा अदरक, इसका पेस्ट बना के ग्रेवी बनाऊंगी। ऐसे तो थोड़ा सा काजू डाल दीजिए तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं रोज़ काजू नहीं डालती हूँ, जब कोई अच्छी सब्जी बनती है तभी काजू डालती हूँ, तो ऐसे काजू नहीं डालते हूँ। ये गोभी भी फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया फ्राई हुआ है ये। थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद ये आलू, इसमें क्या दिखाना, कभी क्या ऐसे बनता है, लेकिन हाँ कैमरा हाथ में है तो थोड़ा सा बातें हो रही हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, बात भी हो रहा है। सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन आता रहता है, मेरी बेटी का भी फ़ोन आ जाता है, तो सुबह सुबह ही हम लोग बात कर लेते तो ठीक है। उसके बच्चे स्कूल जाते हैं और उसके यहाँ जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चों का उसके पेपर चल रहा है, पेपर शुरू होने वाला है, उसको शादी में भी जाना है, तो इस वजह से जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं बात नहीं करती, जब वो फ्री रहती है तभी बात करती है, तो इसलिए जब टाइम मिलता है तभी बात कर लेते हैं हम लोग। ये उसको मिक्सी में पीस ले पहले,
हो गया है ये भी, इसको भी निकाल लेंगे। ये आलू और गोभी, ये मैंने कढ़ाई में जो पेस्ट बनाया था मिर्ची के जार में, लहसुन अदरक मिर्चा प्याज तेज पत्ता का तड़का दे के मैंने ये सब चीज़ डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा इसको भून लेंगे। भूनने के बाद फिर इसी स्टेज पर हल्दी, नमक, मैं पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, और ये मटर, मटर मैं इसी स्टेज पे डालती हूँ। तो ये जैसे कि थोड़ा सा आप लोगों को बताया था ना कि मैं सॉफ्ट सॉफ्ट सा मटर में निमोना बना रही थी, तो बहुत अच्छा लगा था निमोना। वैसे ही मैं इसमें थोड़ा सा कड़ा था, तो मसाले में अगर डाल के अगर हम मटर डाल देते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। प्याज के साथ ही मैं मटर हमेशा डालती हूँ, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है बहुत। तो मैं इसको अब ढक ढक के पकाऊंगी। मसाला अगर ढक के पकाइए तो ज़्यादा स्वाद आता है। तो ये मैं ढक दूंगी अभी। इसको ढक के फिर मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, और ये देखिए इसका कलर उभर के नहीं आता है। अब इसमें पानी डाल देंगे हम, और फिर उसके बाद ग्रेवी तैयार हो जाएगा, और ये चना का दाल भी बन गया है। डन। अब इसको खोलेंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को आज की मेरी लंच थाली में क्या है। आइए चलिए देखते हैं आज की मेरी लंच थाली। चावल, रोटी और बथुए का चोखा, बथुआ का चोखा है ये, प्याज, चने की दाल है ये, और आलू गोभी की रसे वाली सब्जी, और आलू सोया की सब्जी, और ये चावल। मेरा आज का कंप्लीट थाली, लंच थाली, परफेक्ट थाली।